हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर आज हम तीन से चार चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, फर्स्ट थिंग ये होगा कि जो अगर तो आप लोगों ने यूएसए के सर्वर से कनेक्टेड करके रखा है, तो आई होप कि आप सभी को पता है कि जो यूएसए के सर्वर में जो बोनस चैलेंज का जो रिडीम का ऑप्शन है वो अवेलेबल हो चुका है, समझ रहे हो। तो अगर तो आप लोगों ने उसके अंदर से रिडीम करके रखा है यूसी, एंड गाइस अगर तो आप लोगों को नहीं मिला यूसी, तो आप क्या कर सकते हो ऐसे वक्त पे। नंबर टू, अगर तो आप लोगों के अकाउंट के अंदर बोनस चैलेंज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो क्या अभी भी चांसेस है विदाउट चेंजिंग योर सर्वर आप लोग जो बोनस चैलेंज का ऑप्शन है वो ला सकते हो। थर्ड पॉइंट गाइस, पबजी मोबाइल वालों ने जो उनका जो बोनस चैलेंज का जो सेक्शन है वहाँ पे उन लोगों ने कुछ चेंजेस लाए हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। एंड गाइस, फोर्थ नंबर, मैं इस वीडियो के अंदर आपको पांच ऐसे सर्वर्स बताऊंगा जहाँ पे पबजी वाले दावा करते हैं कि इन सर्वर्स के अंदर आपको जो है बोनस चैलेंज का ऑप्शन प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई warpcut.com। तो गाइज, ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप लोग अपनी मनचाहे फ़ोन के लिए स्किन्स खरीद सकते हो, जो कि यार बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। तो गाइज, यहाँ पे आपको आपका लैपटॉप का भी स्किन मिल जाता है, आपके फ़ोन का जो चार्जर है उसका भी स्किन मिल जाता है, आप चाहे तो एयरपॉड्स, आप चाहे तो आपके फ़ोन का जो 4D लुक्स वाला जो कवर होता है वो भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये दोस्तों एकदम लेजिट है। एंड गाइज, इनका अपना एक प्ले स्टोर में एप्लीकेशन भी है, सो यार गो एंड चेक इट आउट warpcut.com। तो गाइस, सिंपल सी बात है यार, मेरा जो ये अकाउंट है ये ओरिजिनल अकाउंट है और मैं हर वक्त उनको ओरिजिनल अकाउंट के अंदर से ही मेल करता हूँ। तो जब मैंने उनको मैसेज किया, मैसेज करने के बाद वो उन लोगों ने यार प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया, मतलब जो बॉट्स होते हैं उनके ही रिप्लाई आए, बाकी कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो उन लोगों ने मेरे को एक चीज़ भेजा कि हाउ डज बोनस चैलेंज एंड बोनस रिवर्स इवेंट्स वर्क, समझ रहे हो प्रॉपर कैसे वर्क होता है। तो गाइज, यहाँ पे ये देखो, मैं थर्ड नंबर वाला यहाँ पे मैं फर्स्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे गाइज आप लोग देखो यहाँ पे क्या लिखा क्या है, सबसे नीचे देखो क्या लिखा है, प्लीज़ नोट बोनस चैलेंज एंड बोनस रिवॉर्ड आर अवेलेबल फॉर सर्टन एशियन कंट्रीज ओनली। अभी सर्टन कंट्रीज रीजियन ये क्या होता है, हम सबको नॉर्मल रीजियन पता है, समझ रहे हो। तो ये क्या है गाइस, इसे कहते हैं सब रीजियन, मतलब रीजियन के अंदर रीजियन। लाइक देखो, हम एक्चुअली रहते हैं साउथ एशियंस में, समझ रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब हम साउथ एशियंस है। जो अभी सर्टन मतलब जो बीच वाला एशिया है ना, सिर्फ उसी के अंदर जो है आपको बोनस चैलेंज का ऑप्शन देखने को मिलेगा और बोनस रिवॉर्ड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये पबजी वाले दावा करते हैं एंड उनके टर्म एंड कंडीशन में सिंपली वो लोग देख रखे हैं। तो गाइस, अभी हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे गूगल में जाने के बाद यहाँ पे जब हम कंट्री सर्च करते हैं एशियंस कंट्री, तो 48 टोटल निकल के आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा है। तो राइट पे आपको जैसा मैंने बोला सब रीजन, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसके बाजू में एक आपको डंडा टाइप देखने को मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे टैप करोगे, टोटल सर्टन एशिया, ईस्टर्न एशिया, उसके बाद साउथ एशियन जो कंट्रीज है वो एकदम 1 2 3 4 ऐसे नंबर करके आ जाएंगे। तो एज यू कैन सी गाइस, जो सर्टन एशिया है मतलब बीच वाला एशिया, वहाँ पे कौन सा देश अवेलेबल है। तो ये जो पांच आपको देश देखने को मिल रहा है, सिर्फ यही इन्हीं गिनी चुनी देश के बारे में पबजी वालों ने बोल के रखा है, मतलब सर्टन एशिया। और ये जो पांच सर्वर है ये सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऐसे पांच सर्वर्स है जो सर्टन एशिया में बिलोंग करते हैं, सर्टन एशिया के अंदर है, ऐसे गूगल में लिखा है। और वैसे तो नॉर्मल पता नहीं कि कौन से सर्वर में क्या होता है, तो ऑब्वियसली बात है गूगल ही करना पड़ता है। तो एज यू कैन सी गाइज, हमने वहाँ पे टोटल पांच सर्वर्स देखा, पांच सर्वर्स में से मैंने चार ट्राई कर लिया, काम नहीं करता, पर उनमें से एक काम करता है, उसका नाम है आपका क्या, कायराजिस्थान, जैसे आप लोग देख सकते हो कायराजिस्थान, मतलब कुछ भी स्थान, ठीक है, वैसे के से स्टार्ट होता है यार, बहुत मुश्किल नाम है, तो आप लोग एडजस्ट कर लो। तो जैसे मैंने दिखाया और मैंने सेटिंग के अंदर आके प्रॉपर मैंने कनेक्ट भी कर दिया, पर मेरे भाई स्टिल जहाँ पे बोनस चैलेंज का सेक्शन होता है वहाँ पे बोनस चैलेंज अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, सॉरी टू से बट यहाँ पे पबजी वालों ने हमारे साथ धोखा कर दिया है, समझ रहे हो। पबजी वाले कहते कुछ है पर करते कुछ और ही है, समझ रहे हो गाइज। अभी देखो आप लोग ये सोचो भाई, जब इंडिया के सर्वर में उन लोगों ने टूर्नामेंट का ऑप्शन दे के रखा है तो भाई बोनस का भी ऑप्शन दे के रखो ना। अच्छा चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम लोगों ने बोनस हटा दिया, टूर्नामेंट के अंदर जो रिडीम का ऑप्शन है वो तो कम से कम अवेलेबल कर दो। जो बंदे टूर्नामेंट खेलते हैं उनको तो भाई रिडीम करने दो ना भाई, ये लोग तो ये भी नहीं करने दे रहे। और गाइज
अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तो आप लोगों ने यूएसए के सर्वर से रिडीम किया है यूसी और आप लोगों को नहीं मिला, तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो गाइस? सिंपल सी बात है, आप दिल पे मत लो। देखो मैं तो पबजी हूँ नहीं कि आप मुझे मेल करो, मैं आपको दे दूंगा आपका यूसी रिटर्न। बट इन केस आप ये कर सकते हो कि जैसा आप लोगों ने रिडीम किया और आपको कुछ भी नहीं मिला, तो आप क्या करो, सिंपली आप देख सकते हो सेटिंग में जाके, मैंने यूएसए का सर्वर यहाँ पे, ये मेरा ऑलरेडी एक अनदर अकाउंट है जहाँ पे मैंने यूएसए का सर्वर कनेक्ट करके रखा है, एंड इसके अंदर जो है बोनस चैलेंज का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो जिन जिन लोगों ने यूएसए का सर्वर से कनेक्टेड करके रखा है उन उन लोगों को पता होगा। तो यहाँ से क्या है, जैसे आप सभी देख सकते हो मैं बोनस चैलेंज का ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ, करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है बोनस चैलेंज एक्सचेंज वेक्सचेंज ये सब वगैरह वगैरह। तो जब हम यहाँ पे नेक्स्ट बाई नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइड पे रिडीम रिवॉर्ड। तो जब हम सिंपली वहाँ पे टैप करते हैं, करने के बाद प्रॉपर जो है ये रिडीम का ऑप्शन जो है, रिडीम का जो सेक्शन है ये खुल जाता है। ये मतलब सेकेंड टाइम आफ्टर अपडेट, पबजी वालों ने जब नया अपडेट दिया ये 1.0, उसके बाद ये दूसरा नंबर हफ्ता है जब ये चेंज हुआ है। इससे पहले वाले हफ्ते पे जब नॉर्मली था सब कुछ, तब लोगों को जब बंदे रिडीम कर रहे थे तो उनको उनका जो यूसी है वो प्रॉपरली मिल रहा था। पर अभी क्या होगा, अभी क्या हुआ, आफ्टर जब ये वीकली जो ये चेंज हुआ, भाई आप खुद देखो कितने सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि भाई मेरा 3-3, 4-4 हज़ार हमने स्पेंड कर दिया पर हमें जो है हमारा यूसी नहीं मिला। तो मेरे भाई अभी हम क्या करें, भाई अब सिंपली जाओ सेटिंग के ऑप्शन में, हेल्प एंड सपोर्ट जहाँ से मैंने उनको मैसेज किया था, आप भी वहाँ से ट्राई कर सकते हो। आई होप, मैं खुद चाहता हूँ कि आपको आपका यूसी मिल जाए, क्योंकि मुझे खुद पता यार कितनी मेहनत लगती है यार, बोनस चैलेंज खेल खेल के कमाओ, ये करो वो करो। तो ओवरऑल गाइस आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप सेटिंग में जाओ, हेल्प एंड सपोर्ट जहाँ से बात करते हैं वहाँ से आप लोग प्रॉपर उन लोगों को बोल दो क्या क्या चीज़ हुआ हमारे साथ। तो गाइस अभी मैं भी होप करता हूँ कि आपको आपका जो यूसी है वो टोटल मिल जाए। और गाइस जैसे कि मैं बोलता हूँ, अगर तो आपको यूसी ख़रीदना है तो मैं आपको परचेस करके दे सकता हूँ, पर क्या सीन होता है, मैं अपना कार्ड यूज़ करता हूँ, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। तो इससे क्या होता है, जो इंटरनेशनल चार्जेस होता है, टैक्सेस होता है, ये मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। मतलब 50 रुपये का अगर मैं कुछ पेमेंट करता हूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा 50 रुपये देना पड़ता है, इसीलिए जो यूसी का प्राइस है वो डबल हो जाता है। इसीलिए मैं बहुत बंदों को परचेज भी करके देता हूँ, जिनको सही लगता है वो लेते हैं, बाकी जिनको सही नहीं लगता है वो नहीं लेते, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो गाइस यही था आज का वीडियो, आई होप आप सभी को अच्छा लगा, अगर तो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड गाइस ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।